नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है हरितालिका तीज, जाने इसकी मान्यता। विश्वविद्यालय की महिला कर्मी अपने बच्चों के लिए इतने साल तक ले सकेंगी छुट्टी। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक। 19 सितंबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। टीम इंडिया ने 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। इसके साथ ही बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आईटीआई ट्रेड अनुदेशक के 1279 पदों पर भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आईटीआई ट्रेड इंस्ट्रक्टर 2023 भर्ती के तहत 1279 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। बता दें कि भर्ती के लिए आवेदन करने की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। ऐसे में वह उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं इसका नोटिफिकेशन आज यानी कि 18 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो भी इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं, उनके पास शॉर्ट नोटिस के अनुसार संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आज जारी किए जाने वाले अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है हरितालिका तीज, जाने इसकी मान्यता। आज यानी कि 18 सितंबर को हरितालिका तीज मनाई जा रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रहकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की उपासना करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरितालिका तीज हर वर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। अगर हम इसके मान्यता को जाने तो हरितालिका तीज व्रत से माता पार्वती की कहानी जुड़ी हुई है। माता गौरी पार्वती रूप में वे शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, जिसके लिए माता पार्वती को काफी तपस्या करनी पड़ी थी। उसी वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था और इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा यह व्रत कम उम्र की लड़कियों के लिए भी श्रेष्ठ माना गया है। आज के दिन महिलाएं नित्य गीत गाते हुए इस व्रत को करती हैं। महिलाएं माता पार्वती और भोलेनाथ को गंगा जल दूध से अभिषेक करते हुए पूजा अर्चना करती है। इस दौरान माता पार्वती और भोलेनाथ को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने का भी नियम है। बिहार में यहां बनेगा राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड। बिहार के बिहटा सरमेरा रोड में राज्य का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनने वाला है। बता दें इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन की नापी कर नजरी नक्शा के साथ नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है और साथ ही जमीन अधिग्रहण शुरू करने के लिए अधियाचना की भी मांग की गई है, जिसके मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा और फिर अधिग्रहण का नोटिफिकेशन होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बस स्टैंड 50 एकड़ जमीन पर बनने वाला है, जिसमें यात्रियों के ठहरने, बस लगाने और ड्राइवर के आराम करने की व्यवस्था होगी। वहीं अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकालने के बाद किसानों को मुआवजा वितरण करने के लिए राशि की मांग की जाएगी। इस बारे में जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी के द्वारा कहा गया है कि अधियाचना मिलने के बाद SIA सर्वे शुरू किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आदित्य कुमार के बारे में। आदित्य कुमार के भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जो हिंदी सिनेमा में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। आदित्य ने पटना से फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए बिहार से मुंबई वर्ष 2009 में आए थे। आदित्य अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर टाइम्स द्वारा सबसे आशाजनक पुरुष अभिनेता के नॉमिनेट किए जा चुके हैं। आदित्य ने अपने करियर की शुरुआत गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 से की थी। इस फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया था। इसके बाद वह बैंजो कैरी ऑन कट्टन में नजर आए। इसके बाद वह शशांक खेतान निर्देशित और ईशान खट्टर और जानवी कपूर अभिनीत फिल्म धड़क में नजर आए। फिल्म 20 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 2007 में उन्होंने भारतीय फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के लिए उनकी फिल्म मुंबई कटिंग के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया गया था। हालांकि कुछ लोगों के कारण फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। विश्वविद्यालय की महिला कर्मी अपने बच्चों के लिए इतने साल तक ले सकेंगी छुट्टी। राज्य के विश्वविद्यालय की महिला कर्मी अब अपने बच्चों की बीमारी या उनकी पढ़ाई के लिए अधिकतम 2 साल और न्यूनतम 15 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। बता दें कि यह छुट्टी महिला कर्मी एक वर्ष में अधिकतम 3 बार ले सकती हैं। इसको लेकर राजभवन की ओर से रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है और अब इस पर विश्वविद्यालय से सुझाव की मांग की गई है। ऐसे में अब विश्वविद्यालय की ओर से जो भी सुझाव दिए जाएंगे, उसके अनुसार ही रेगुलेशन में बदलाव किए जाएंगे। इस संबंध में राजभवन के प्रधान सचिव एल चोंगतू ने विश्वविद्यालय को पत्र जारी कर 10 दिन के अंदर उनका मंतव्य देने को कहा है। इस पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय जो भी मंतव्य देंगे, उसके साथ चाइल्ड केयर लीव के रेगुलेशन का ड्राफ्ट कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस व्यवस्था से राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत लगभग 2300 महिला शिक्षकों और 600 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य के 12 जिलों में अब भी कम है भूजल का स्तर।
पीएचईडी की ओर से जारी रिपोर्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2019 अगस्त की तुलना में 30 अगस्त 2023 तक राज्य के 12 जिलों में भूजल स्तर कम है। ऐसे में इस रिपोर्ट को देखते हुए विभाग के द्वारा अधिकारियों को इन जिलों का भ्रमण करने का दिशा निर्देश दिया गया है ताकि भूजल के गिरने के कारणों के संबंध में एक ठोस रिपोर्ट बनाई जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिलों में भूजल स्तर में कमी आई है उनमें नवादा में 9 फुट 7 इंच, अरवल में 2 फुट, रोहतास में 1 फुट, कैमूर में 4 फुट 10 इंच, भागलपुर पश्चिम में 3 फुट 6 इंच, बांका में 3 फुट, सीतामढ़ी में 4 इंच, पटना पश्चिम में 8 इंच, भोजपुर में 1 फुट 1 इंच, बक्सर में 1 फुट 1 इंच, गोपालगंज में 1 फुट और सहरसा में 4 फुट 5 इंच भूजल स्तर कम है। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी करते हुए यह जानकारी दे दी गई है कि राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। वहीं वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति की जा चुकी है उन्हें हटाया नहीं जाएगा बल्कि उन सभी नियुक्त किए गए शिक्षकों को शिक्षण कार्य में लगाया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विभाग की ओर से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में इसलिए रोक लगाया गया है क्योंकि विभाग को यह शिकायत मिल रही थी कि जिला स्तर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में कई गड़बड़ी हो रही है। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि स्कूलों में सितंबर से फरवरी तक के लिए कुछ खास विषयों के अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मालूम हो कि वर्तमान में 12,000 से अधिक शिक्षकों की जरूरत थी। समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत पाए अनुदान। अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पशुपालन निदेशालय के द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना बनाई गई है। बता दें कि इस योजना का कार्य क्षेत्र राज्य के सभी जिलों में है। ऐसे में जो इस अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पहले पूर्व अभ्यास हेतु मॉडल आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर वहां से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे तेलहरा यूनिवर्सिटी के बारे में। तेलहरा यूनिवर्सिटी बिहार में नालंदा जिले के इंकगढ़सराय ब्लॉक के तेलहरा गांव में स्थित है। तेलहरा यूनिवर्सिटी एक बौद्ध मठ है जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। प्राप्त अवशेषों के आधार पर तेलहरा विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। इस जगह का उल्लेख आइन ए अकबरी में तिलदाह के रूप में भी किया गया है और इसे बिहार सरकार के 46 महलों में से एक के रूप में दिखाया गया है। वर्ष 1842-45 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नक्शों में तेलहरा को एक परगने के रूप में दिखाया गया था। तेलहरा के खंडरों का उल्लेख नालंदा के तत्कालीन मजिस्ट्रेट एएम ब्रॉडली द्वारा 1872 के एक पत्र में किया गया था। ब्रॉडली ने उल्लेख किया कि एक टीले के शीर्ष पर कब्रों की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में पत्थर और धातु की छवियां पाई गई। तेलहरा में 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। बिहार राज्य पुरातत्व निदेशालय ने 26 दिसंबर 2009 को साइट पर खुदाई शुरू की थी और गुप्त काल और बाद के पाल काल से संबंधित मिट्टी के बर्तन, छवियां और हजारों महड़ों के खोज की थी। जनवरी 2014 में 45 फुट ऊंचे टीले की खुदाई के दौरान तेलहरा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। 19 सितंबर को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 19 सितंबर को सुबह 11 से शाम 3 बजे तक भोजपुर जिले के सदर प्रखंड के जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर आड़ा में विभिन्न पदों के लिए जॉब कैंप जिला नियोजनालय की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर अपना निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वहीं इसके अलावा इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आयोजन स्थल पर निबंधन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो, बायोडाटा और सभी पत्र की मूल कॉपी लेकर जानी होगी। वैसे अभ्यर्थी जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर निबंध नहीं करवाते हैं उन्हें इसमें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को BA और MBA होना अनिवार्य है। गया में पितृपक्ष मेला में पिंडदानियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। बीते दिन गया जिले के DM डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा पितृपक्ष मेला को लेकर विष्णुपद मंदिर के पास स्थित संवाद सदन कार्यालय में कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए समाधान व IVRS नंबर जारी किया गया है जो कि 9266628168 है। इस नंबर की मदद से तीर्थयात्री अपने आवश्यकता अनुसार जानकारी तथा मदद ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेन लाइन एवं 4 हंटिंग लाइन भी बनाई गई है जिसकी दूरभाष संख्या 0631222255
5500 है और साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0631222253 और 0631222259 है। मालूम हो कि मेला के दौरान नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे कार्यरत रखा जाएगा, वहीं कॉल सेंटर में फ्री वाईफाई की व्यवस्था रखी जा रही है। इसके अलावा देवघर तथा अक्षय वट में भी तीर्थयात्रियों की मदद के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ और अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित कराया जा रहा है, जहां विभिन्न शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के पश्चात उन्हें यात्रियों की मदद हेतु लगाया जाएगा। यह सिस्टम खास तौर पर भीड़ वाली जगह पर अनिवार्य रूप से लगे होंगे। मेला के दौरान एसटीआरएफ व गोताखोरों की टीम एक्टिव रहेगी। प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5 एलिवेटेड स्टेशनों के लिए टेंडर जारी। कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से लेकर न्यू आईएसबीटी तक के पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5 एलिवेटेड स्टेशन के डिजाइन से लेकर भवन निर्माण, जलापूर्ति, ड्रेनेज समेत अन्य सुविधाओं के लिए एजेंसी की खोज शुरू कर दी गई है। बता दी कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के ये 5 एलिवेटेड स्टेशन 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए इसी माह 26 सितम्बर को निविदा खोली जाएगी। बता दें कि इन स्टेशनों के निर्माण एवं विकास पर करीब 75 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। इसके निर्माण के लिए जिन एजेंसियों को चयनित किया जाएगा उन्हें मेट्रो स्टेशन पर डिजाइन आर्किटेक्चर से लेकर फ्री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा और साथ ही स्टेशन के बाहरी आवरण, जलापूर्ति, शौचालय, ड्रेनेज सहित अन्य सुविधाएं भी विकसित करनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर एक इंटरचेंज स्टेशन प्रस्तावित है जो कि खेमनी चक में जमीन के ऊपर यानी एलिवेटेड होगा, जिससे कि यात्री आसानी से एक लाइन से दूसरी लाइन के लिए मेट्रो बदल सकेंगे। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं रजिस्ट्रेशन में सुधार करने का इस दिन तक है अंतिम मौका। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जिन्होंने बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन उस रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हो गई है और अब तक उसमें सुधार नहीं करवाया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्ड में हुई गड़बड़ी को 20 सितंबर तक सुधारने का मौका दिया गया है। वहीं वैसे छात्र जिन्होंने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वह भी 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे में इन छात्रों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड के द्वारा 21 सितंबर को जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन में सुधार करने का काम के प्रधान के द्वारा किया जाएगा। वैशाली एसपी ने शराब तस्करी मामले में थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। वैशाली के सराय थाना में शराब तस्करी के मामले को लेकर वैशाली के एसपी रवि रंजन कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष एवं मालखाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सराय थाना में छापेमारी करते हुए पिकअप वैन से तस्करी के लिए बाहर ले जाने की तैयारी के दौरान करीब 945 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था और साथ ही 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था जो शराब पिकअप वैन पर लादने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब इस बात की जानकारी जिले के एसपी रवि रंजन कुमार को मिली तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनेगा गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र। बिहार में गैंडा और गिद्ध संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मदद के तौर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पहली किस्त की राशि करीब 70 लाख रुपए भेज दी गई है। बता दें कि फिलहाल वर्तमान में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण की योजना बनाई गई है और इस पर सैद्धांतिक काम शुरू भी कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार की ओर से गैंडे के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में गैंडा बाहुल्य क्षेत्र का 5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैंडों को प्रजनन और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अधिक जगह उपलब्ध कराना है। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से ऐसे स्थान की पहचान की जा रही है जहां गिद्ध दिखते हैं, उन जगहों पर गिद्धों के खाने की व्यापक व्यवस्था की जाएगी और साथ ही टावर बनाकर गिद्धों पर निगरानी रखी जाएगी। इग्नू में 200 से अधिक छात्रों वाले कोर्स की चलेगी ऑफलाइन क्लास। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू में जिन कोर्स में 200 से अधिक छात्रों की संख्या होगी उनमें अब 60% ऑफलाइन और 40% ऑनलाइन क्लास चलेंगी। वहीं जिन कोर्स में छात्रों की संख्या कम है वहां राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड क्लास ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 5 कोर्स को सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्लास किया गया है, जिनमें प्रयोगशाला तकनीक में प्रमाण पत्र कार्यक्रम, जल संसाधन एवं प्रबंधन में प्रमाण पत्र, दृश्य कला, अनुप्रयुक्त कला में प्रमाण पत्र, ठोस अपशिष्ट उपचार तकनीक में प्रमाण पत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र शामिल है। वहीं इग्नू स्नातक के छात्रों के लिए 12 भाषाओं में लाइव सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए इग्नू को 6 और चैनल दिए गए हैं।
बिहार में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में आज के मौसम को लेकर यानी कि 18 सितंबर के मौसम को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में आज बारिश की संभावना से साफ इनकार किया गया है, लेकिन अगर हम कल यानी कि 19 सितंबर के मौसम की बात करें तो राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिमी भागों के जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ में गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 20 सितंबर के मौसम को लेकर यह पूर्वानुमान किया गया है कि राज्य के उत्तरी भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इस तरह की स्थिति राज्य में 21 सितंबर 2023 तक बनी हुई है। हालांकि आज के मौसम को लेकर विभाग की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है और न ही बारिश की कोई संभावना जताई गई है। उपराष्ट्रपति ने नए संसद भवन पर फहराया तिरंगा, इस दिन से शुरू होगा कामकाज। बीते दिन देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा संसद की नई बिल्डिंग के गज द्वार पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। इस दौरान वहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। बता दें कि अब 19 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन से नई संसद भवन में कामकाज का श्री गणेश हो जाएगा। हालांकि उससे एक दिन पहले यानी कि आज 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र पुरानी इमारत में ही बुलाया गया है। ऐसे में बाकी बचे 4 दिन के कामकाज नई संसद में किए जाएंगे। मालूम हो कि नई संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नई ड्रेस पहनेंगे, जिसमें नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट को शामिल किया गया है। उनकी शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरी गुलाबी रंग में होगी। इसके अलावा 13-14 अक्टूबर को नई संसद में G20 देश के स्पीकरों को होस्ट किया जाएगा, जहां पार्लियामेंट 20 मीटिंग होगी, जिसमें आमंत्रित देश के संसद के स्पीकर हिस्सा लेंगे। जेडीयू के पूर्व सांसद मुनाजीर हसन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में होंगे शामिल। 18 सितंबर को यानी कि आज जदयू के पूर्व सांसद मुनाजीर हसन राष्ट्रीय लोक जनता दल के मिलन समारोह में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि बीते 28 मई 2023 को मुनाजीर हसन के द्वारा जेडीयू छोड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी नेतृत्व पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसका जदयू के द्वारा खंडन भी किया गया था। वहीं अब मुनाजीर हसन पर जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि वह जेडीयू में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, अब वहां गए हैं तो उनको बताना चाहिए कि मां सीता का कैसे अपमान किया जाता है और बीजेपी दंगा करने वाली पार्टी है। आरएसएस का भी गणवेश भी धारण कर ले। मुजफ्फरपुर नाव हादसे के पीड़ितों से मिले मुकेश सहनी। बीते दिन विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बागमती नदी में हुई नाव हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस इलाके में नाव हादसे से हुए थे, अगर उसी समय ही उपाय किया जाता तो फिर से हादसा नहीं होता। पुल बनवाना सरकार का काम है, इसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इसके लिए विधायक और सांसद को भी प्रयास करना चाहिए था। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह अपनी क्षमता के अनुसार यहां पुल बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नेता बनवाने में मुजफ्फरपुर के लोगों का काफी योगदान रहा है, इस कारण यहां के समस्याओं के समाधान को लेकर वो जरूर कोशिश करेंगे। टीम इंडिया ने 8वीं बार जीता एशिया कप का खिताब। बीते दिन भारत और श्रीलंका के बीच हुए एशिया कप 2023 फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराते हुए 8वीं बार अपने नाम एशिया कप का खिताब कर लिया है। बता दें कि बीते दिन हुए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो कि बिल्कुल गलत था। श्रीलंका की टीम 15.2 ओवर में केवल 50 रन पर सिमट गई। वहीं भारत ने महज 6.01 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर श्रीलंका को मात दे दिया और बतौर ओपनर उतरे शुभमन गिल के द्वारा 19 गेंद में 27 और ईशान किशन के द्वारा 18 गेंद में नाबाद 23 रन बनाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हुए यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। अंग्रेजों ने 1803 में उड़ीसा के पुरी पर कब्जा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1947 को पारित हुआ। पहली महिला पायलट ने 1986 में बंबई से गोवा के बीच उड़ान भरी। शोभना भरतिया एचटी मीडिया की अध्यक्ष नियुक्त 2008 में हुई। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी एचसीएल के संस्थापक अध्यक्ष शिव नायर को 2009 में ब्रिटेन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी खोली। भारतीय हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म 1906 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री सबाना आजमी का जन्म 1950 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री विनय राय का जन्म 1979 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री सनाया ईरानी का जन्म 1983 में हुआ। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक राज नारायण बोस का निधन 1899 में हुआ। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता असित सेन का निधन 1953 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का निधन 1957 में हुआ। भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास का निधन 1958 में हुआ।
हुआ भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश वे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का निधन 1992 में हुआ। मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत का निधन 2002 में हुआ। वायरलखंड में आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट से पैसे कटने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचना वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट से पैसे कटने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इन दिनों एक खबर वायरल हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किए जाने पर बैंक अकाउंट से 350 रुपए काटे जाएंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह खबर फर्जी है। @ECISBEEP ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। जिम्मेदार नागरिक अपने मतदान अवश्य करें। जीमेल में आया मल्टी लैंग्वेज फीचर। गूगल ने जीमेल में मल्टी लैंग्वेज फीचर रोल आउट कर दिया है। गूगल ने डेस्कटॉप वर्जन के लिए इस फीचर को बहुत पहले ही रोल आउट कर दिया था लेकिन अब जीमेल ने इसे एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए भी रोल आउट कर दिया है, जिसमें आप किसी भी भाषा के मेल को 100 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जीमेल ऐप को ओपन करें, इसके बाद उस ईमेल पर जाएं जिसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ईमेल के ऊपरी राइट साइड पर दिए गए 3 डॉट्स पर टैप करें, फिर ट्रांसलेट पर टैप कर दें। अब वह लैंग्वेज चुनें जिसमें आप ईमेल को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ईमेल को नई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, इसके बाद वो मेल आपको आपकी भाषा में दिखाया जाएगा। ट्रांसलेशन फीचर अभी बीटा फेज में है, इसका मतलब यह है कि इसमें अभी और डेवलपमेंट की गुंजाइश है। ध्यान रखें कि यह ट्रांसलेशन पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता है, खासतौर से कानूनी और टेक्निकल दस्तावेजों के लिए पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता। यह फीचर आपको एक समय में केवल एक ईमेल ट्रांसलेशन करने की अनुमति देता है। ऐसे में अगर आपके पास दूसरी लैंग्वेज में कोई ईमेल है तो आप उसे अलग अलग ट्रांसलेट करना होगा। देश में खुलेंगे 23 नए सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा साझेदारी के माध्यम से देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि यह नए स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल समिति के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी वाले सैनिक स्कूल के लिए समिति द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है। यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल का जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार में साथ मिलकर काम करने का अवसर देता है। बयान में यह भी कहा गया है कि स्कूल अपने नियमित संबंध बोर्ड को पाठ्यक्रम के अलावा सैनिक स्कूल पद्धति के छात्रों को एकेडमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला सवाल, हाल ही में किस एम्स ने दवाओं टीको सांप विरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी एम्स उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी एम्स पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एम्स पटना। अगला सवाल, बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1.78%, ऑप्शन बी 2.86%, ऑप्शन सी 2.94%, ऑप्शन डी 3.12%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.86%। अगला सवाल, अभी बिहार में 38 जिले हैं, झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 52।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, हरेंद्र कुमार, मोहम्मद फहीम, खुशी शर्मा, रानी कुमारी, महान प्रकाश मौर्य, विकास कुमार, विजय कुमार मंडल, इंद्रभूषण रवि, रोहित कुमार, राजकिशोर महतो, अतीक खान, महेंद्र मिश्रा, उदय कुमार पासवान, प्रियामल यादव, पंकज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एशिया कप 2023 में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।